नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपने अगर UP SSSC पेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई कर दिया है और आपने फेस पेमेंट भी कर दिया और आपका पेमेंट कट गया है, लेकिन अभी तक फार्म जो है कंप्लीट नहीं बता रहा है, इनकम्प्लीट बता रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका फार्म कैसे कंप्लीट करना है, आपका पेमेंट आपको कैसे अपडेट करना है, आपको दोबारा पेमेंट करना है या नहीं करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कन्फर्म बताऊँगा, तभी आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल होगा। तो आपको आना है मोबाइल स्क्रीन में, उसके बाद आपको आने के बाद UP SSSC डालकर सर्च कर लेना। जैसे UP SSSC डालकर सर्च करोगे, जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगा आपको उसी पे क्लिक कर देना। जैसे उस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से UP SSSC पेट की ऑफिशियल साइट का दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर इसे डिस्कटॉप मोड साइड में आपको ओपन कर लेना है, जिससे कि आपको कंप्यूटर की तरह दिखाई दें। तो यहाँ आने के बाद आपको कुछ इसी प्रकार से इसका पेज दिखाई देगा। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको फ़ोटो सिग्नेचर क्रॉप कर सकते हो, फोटो सिग्नेचर दोबारा से अपलोड कर सकते हो अगर आपका फ़ोटो सिग्नेचर रॉन्ग दिखाई दे रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट आपको यहाँ से करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया, फीस पे नहीं किया है तो यहाँ से फीस पेमेंट कर देना। उसके बाद अगर आपका फीस पेमेंट आपने कर दिया है और आपका पेमेंट कट भी गया है और लेकिन आपका जो है सक्सेसफुल फार्म नहीं बता रहा है, तो यहाँ आपको अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको जो है आपकी प्रोफाइल ओपन करने के लिए आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, आपको अपनी डिटेल यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे पहले फर्स्ट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है, उसके बाद यहाँ से आपको DOB फिल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, उसके बाद DOB डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेना है, उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप का जो है आप यूपी से हैं नहीं हैं यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो दिखाई देगा, पेमेंट आईडी आपको दिखाई देगी कि आपने कितने बार पेमेंट किया है, आपका पेमेंट प्रोसेस में है या नहीं है। तो यहाँ पर इसे पे आपको सबमिट बटन या प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, तो आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको जो है कुछ इस प्रकार से पेज दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ 101.85 रुपीज़ जो है हमने दो बार पेमेंट किया था, जो एक बार सक्सेसफुल नहीं हुआ था, दोबारा से जब किए थे तो वो पेमेंट कटा था। पहली बार जब किए थे तो हमारा पेमेंट कटा नहीं था बैंक अकाउंट से, दोबारा से जब पेमेंट किए थे तो हमारा जो है बैंक अकाउंट से जो है पेमेंट 185 रुपीज़ कट गया था। तो आपका पेमेंट कट गया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ आपको हम बताते हैं कि आपको दोबारा से आपको पेमेंट नहीं करना है। दोस्तों आप कुछ इसी प्रकार करना है, आपको दोबारा से कोई भी पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ वेरीफाइड ट्रांजेक्शन आईडी, आपको यहाँ PDF दिखाई देगा, यहाँ PDF पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप कितने बजे कब आप अपना पेमेंट किए थे यहाँ पर उसको दिखाई देगा। तो उसके बाद यहाँ इस PDF को आप देख भी सकते हो, प्रिंट स्लिप पेमेंट स्लिप आप यहाँ पर आपकी आईडी पूरी दिखाई देगी, आपकी पूरी डिटेल दिखाई देगी, आपका जो है 185 रुपीज़ भी दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो, स्लिप क्लिप आपको प्रिंट क्लिप रख सकते हो, स्लिप अपना रख सकते हो। तो यहाँ से आपको इसे बैक करना है, उसके बाद हम दिखाते हैं कि आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ इसे बैक कर लेना है, बैक करने के बाद आपको जो है ट्रांजैक्शन आईडी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप प्रिंट इसका निकाल सकते हो, आप यहाँ देख लीजिए कि आप किस डेट को यहाँ पेमेंट किए थे, आपको कुछ देख लेना है कि आप कब पेमेंट किए थे। उसके बाद जो फर्स्ट में आप किए होंगे, जो आपका फर्स्ट में पेमेंट कटा है, वहीं पर आपको वेरीफाइड ट्रांजेक्शन आईडी पे क्लिक कर देना। जैसे आप वेरीफाइड ट्रांजेक्शन आईडी पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको, अगर आपका सक्सेस बताया होगा तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन आईडी दिखाई देगी, उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कैंडिडेट नेम, उसके बाद यहाँ आपके फादर नेम, उसके बाद आपकी फी अमाउंट, उसके बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बैंक, आपका डेट किस डेट को आप किए थे, अगर आपका यहाँ टाइम स्टेटर, आपको यहाँ स्टेटर भी दिखाई देगा, अगर आपका स्टेटर जो है सक्सेसफुल हुआ है तो यहाँ आपको सक्सेस दिखाई देगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको सक्सेस दिखाई दे रहा होगा, सक्सेस कंप्लीट सक्सेसफुली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो आपका अगर कुछ इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है तो आपका जो है 1 से 2 दिन में आपका पेमेंट जो है कम्प्लीट हो जाएगा। आप कुछ इसी प्रकार से आप चेक करके आप अपडेट कर सकते हो, उसके बाद आप 2 से 3 दिन में आप अपना पेमेंट चेक करोगे तो आपका सक्सेसफुल बताएगा। उसके बाद आप
आपके मोबाइल में मैसेज चला जाएगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो आप प्रिंट आउट निकालने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, चेक कर सकते हो।